एडीजी जोन अखिल कुमार लगातार पुलिस की छवि को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए पुलिस और पब्लिक के बीच के आपसी तालमेल बैठाने की कवायद को लेकर एडीजी ने गंभीरता दिखाई है। गौरतलब है कि एडीजी कार्यभार ग्रहण करने के बाद से लगातार जनता के बीच जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पैदल गश्त करने के दौरान किसी चौराहे पर आम जनता से मिलकर उनसे उनकी समस्या पूछा तो कभी पुलिस चौकी में स्थानीय लोगों के साथ बैठकर जनसंवाद करना एडीजी की आदतों में शुमार हो गया है। इसी क्रम में सोमवार को एडीजी अखिल कुमार ने बेतिहाता से ट्रांसपोर्ट नगर तक पैदल गश्त किया, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी पर स्थानीय लोगों से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और अन्य समस्याओं को लेकर सुझाव लिए। वहीं एडीजी ने चौकी के सिपाहियों से बातचीत के माध्यम से उनका उत्साह वर्धन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय लोगों और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, 90% और सिपाही है वो अपना टिकट इसी किया, संदिग्ध किया, गश्त किया, घर आने सो गया। एक तो उसको टाइम नहीं मिल रहा है, कहा गया कि सबको टाइम दे जो करें। तो मेरा मानना है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं तेजी से हल हो, जो स्पीड है उससे ज़्यादा हल। ये तो मैं अपनी बात, तो गोरखपुर में 1,00,000 लोगों से सीधे पुलिस का संवाद, आपने कोई मैसेज भेजा या किसी को कुछ, सारा कुछ वही करें। सब इंस्पेक्टर हमारे उस रोड से मुक्ति है, वो उसको सुपरवाइज करेंगे, उसको गाइड करेंगे। ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं आपके लिए, आपके हित के लिए, आपको मदद चाहिए होगी। दूसरा है कि पुलिस को अपने कार्य में करने में अपने क्षेत्र के लोगों से संवाद अच्छी होगी। मुझे खुशी है कि आप लोग आपके पास सरकार 12 गुने कम से कम 50 वो लेडीज जिनके थ्रू फटाफट अपने मोहल्ले में, वहाँ का जो सड़क भी मोर्चा वाला है और वहाँ सबसे अच्छा कोई डॉक्टर इंजीनियर व्यवसायी, यहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग व्यवसाय कर रहे हैं, सभी व्यवसायियों से अच्छा संपर्क और सीधे संवाद रहा। ये व्यवस्था आप लोग को मिली होगी सूचना, उसको एक्टिवेट करिए। प्रार्थना इस पर आपका कोई विचार हो अवश्य। तो बोलो यार फटाफट से यार, शिक्षा शास्त्र ठीक है, 8 साल से भी किए। हाँ हाँ सर, इंटर 18 बैच में सर। कौन सा कैसा पढ़ाई की है? इंटर एक्टर किए हैं। हाँ सर, इंटर कब की है? 87। ये लड़की भी है। हाँ इधर आप हर आदमी, आपका कब की पटवारी बेटी है यहाँ पर, ताली बजाइए इस बार। हमको इनको सशक्त करना है, आप पूरा मजबूती से नौकरी करना है। आपको सारा प्रार्थना पत्र आप जांच करोगे सारे, उसमें 116 आपको। मेरा नाम मनीष सिंह है, मैं गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम सब लोग इस चौकी पर एकत्र हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा, हम लोगों से हमारी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया और उन्होंने बड़े अच्छे मन से हम लोगों की समस्याएं सुनी और आश्वासन भी दिया कि समस्याएं दूर होंगी। हम लोगों से उन्होंने सहयोग भी मांगा और हम लोगों ने भी पूरा आश्वासन दिया कि जहां भी पुलिस परिवार को ज़रूरत होगी वो हमारे ही परिवार के लोग हैं, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर उन समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे रूप से कार्य करेंगे। किस तरह की समस्याओं का आपने सुझाव दिया? हमने एक तो ट्रैफिक जो जाम लग रहा है, जिसमें 4-5 जगह चिन्हित किए गए हैं, उन 4-5 जगहों में मार्किंग न होने की वजह से हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वह ट्रैफिक को के उलझे हुए स्वरूप को दिन भर सुलझाने में लगी रहती है, जबकि उनका काम ट्रैफिक के उलझे हुए स्वरूप को सुलझाना नहीं है, उनका काम ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना है। तो जब मार्किंग हो जाएगी और लोग मार्किंग के पहले रुकने लगेंगे तो ट्रैफिक कभी जाम नहीं लगेगा, डिले ज़रूर होगा पर उलझेगा नहीं, और हम लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक उलझे ना, ट्रैफिक डिले हो 5 मिनट। ब्रजराज दुबे अब जो आए थे, जो उन्होंने पहल किया वास्तव में इसके पहले कम देखा गया, और जनता और पुलिस को जोड़ने का काम किया गया और प्रत्येक पुलिस को यह मतलब निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र में जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, वहां के लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को समझें और वहीं सुलझाने का प्रयास करें। अगर वो नहीं सुलझ पाता है तब
ऊपर के अधिकारियों से बात करें और जिस प्रकार से आपने योजना दिया अगर इस शहर में लागू हो जाए तो संभवतः जो है बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। देखिए आज मैं ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पे आए हम लोग और यहाँ के स्थानीय सम्भ्रांत नागरिक और व्यवसायी उनके साथ वार्ता किया है। ये प्रतिदिन के हम लोग किसी न किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारे सारे थानाध्यक्ष चौकी प्रभारी क्षेत्राधिकारी सभी लोग भ्रमण में रहते हैं। आज यहाँ के क्षेत्राधिकारीगण के साथ मैं यहाँ आया था, बेतिया हाथा से चलते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। इस दौरान अगेन हम लोगों ने स्थानीय नागरिकों से वार्ता किया, उनकी समस्या को जानने की कोशिश की और यहाँ पर जब हमने सबसे वार्ता किया तो जो नई व्यवस्था हम लागू कर रहे हैं जिसमें बीट आरक्षी जो बीट पुलिस ऑफिसर के रूप में काम करेगा और उनके माध्यम से जनता के बीच में अपने संवाद को बढ़ाएगा, उस व्यवस्था की जानकारी दी है और स्थानीय लोगों से चर्चा हुई है। विशेष रूप से ट्रैफिक के जानकारी आई कि समस्या है, वो हम लोगों को जानकारी में भी है और हमने फिर आह्वान भी किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मिले, क्योंकि ट्रैफिक ऐसी बड़ी व्यवस्था है जिसको हम लोग सबको फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में साथ में काम करने पड़ेगा। तो सिविल डिफेंस के लोग आगे आए हैं, स्थानीय लोग भी आगे आए हैं। कुछ बताया गया कि मार्किंग नहीं है जिसके कारण से लोगों का डिसिप्लिन नहीं है, थोड़ा एजुकेशन की ज़रूरत है, लगातार इस विषय में हम लोग एजुकेट भी करेंगे और अंत में एजुकेशन इंजीनियरिंग अगर जहाँ फेल होती है या जहाँ नहीं सक रहती है तो इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो भी करेंगे। बट मुझे लगता है कि जन संवाद एक बार बढ़ने लगेगा और जागरूकता बढ़ेगी तो चीज़ें अपने आप सुधार होगी।